यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका फिर से एक और न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक वाली वीडियो में। तो दोस्तों, ये बहुत ही ख़तरनाक टॉपिक है, बोले तो एकदम, जिसको आपने पहली जो तीन पार्ट इसके आ चुके हैं उसके बारे में, मतलब जो ओल्ड मैप के पार्ट आए थे उसको आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, इसलिए पार्ट फोर बनाना पड़ा, वो भी न्यू मैप में। तो दोस्तों, टॉपिक शुरू करने से पहले, चैनल पर नए तो चैनल को करो सब्सक्राइब और वीडियो को कर दो लाइक, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगेगी इसको बनाने में। इसलिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। जो भाई न्यू हैं अभी तक चैनल पर, वो सब्सक्राइब कर दो यार, कितनी बार बोल दिया भाई। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकचोदी के, ये खतरनाक शब्द है, ये नहीं बोलना चाहिए था। तो दोस्तों, बात कुछ ऐसी है कि अपन सुबह वाली वीडियो के बारे में बात कर लेते हैं टोशन मोड से पहले, ठीक है। ऑटो बैक वाले अपडेट के बारे में मैंने बोला था कि ऑटो बैक अपडेट पहले दें या फिर ये सेकंड अपडेट में मिला कर दें, तो भाई लोग हमने दोनों ने यही बोला था, बोले तो गेमर बंदे मतलब मैं और गेमिंग XYZ मतलब दूसरा भाई अपना जो गेम बनाता है, जो काम करता है गेम पर, आप उन्हें ज़रूर जानते होंगे क्योंकि भाई लोग कुछ सब्सक्राइबर तो वही हैं जो मेरी वीडियो देखते हैं और उनकी वीडियो देखते हैं, दोस्तों जानते होंगे आप ज़रूर। लेकिन भाई लोग, हमने सुबह से अब तक ये विचार करके ये सजेशन लिया है कि भाई लोग दोनों अपडेट एक साथ ही देंगे, क्योंकि भाई एक अपडेट पहले दें तो उसमें मज़ा नहीं आएगा और इस वजह से गेम की सेटिंग्स बिगड़ जाती हैं। अगर और लैग उग करने लगा ऑटो बैक बंद करने के बाद, तो दोस्तों दिक्कत आ जाएगी, जो अब तक खेल रहे हैं वो भी मज़ा नहीं ले पाएंगे। तो भाई लोग, ऑटो बैक वाले भाई माफ़ करना, आपको न्यू लॉबी ही और न्यू ख़तरनाक गेम खेलने को मिलेगा, लेकिन दोस्तों आप इसका हाई लेवल मज़ा ले पाएंगे, इतना मज़ा उसमें नहीं है जितना इसमें है। क्योंकि मुझे भी वही अच्छा लगता था, लेकिन जब मैंने इसका ट्रायल लिया तो दोस्तों बहुत ही ख़तरनाक लगा मुझे ये। और यदि आप अब तक वीडियो पर फोकस बना रहे हैं तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कि बैक गियर में ये कहाँ तक चढ़ा लाया ट्राली एकदम ख़तरनाक तरीके से। और अब हम इसका एक टायर पल्ली साइड गियर कर देखेंगे, क्योंकि सिचुएशन दिखाता हूँ मैं आपको कि कैसे कैसे टोचन मोड की ज़रूरत पड़ती है। अब बात करते हैं अपने मेन टॉपिक मतलब टोचन मोड के बारे में, दोस्तों देखते हैं। तो दोस्तों, टोचन मोड आएगा ज़रूर, लेकिन सेकंड बिग अपडेट में के बाद आ सकता है, उसमें नहीं आ पाएगा, क्योंकि दोस्तों बहुत व्हीकल पर काम है और बहुत व्हीकल अभी ऐड करने, अभी सिर्फ दो ही व्हीकल ऐड हुए, एक कार एक ट्रैक्टर, बोले तो एक स्वराज एक स्कॉर्पियो, ज़्यादा कुछ ऐड नहीं हुआ। सिचुएशन बनाता हूँ, ये देखो दोस्तों, ट्राली हो चुकी है टेढ़ी और ऐसी जगह पड़ती है ज़रूरत। तो दोस्तों अब यहाँ पर यदि टोचन मोड होता तो हम उसको लगाकर जोर लगाते, लेकिन पहले ही देखते हैं जोर लगाकर फुल रेस दे करके एकदम ख़तरनाक की यहाँ से ओ तेरी तो या इसमें बहुत दम है भाई, लगता है ये चाहता नहीं कि टोचन मोड आए, क्योंकि इसको बर्दाश्त नहीं कि उसके आगे कोई ट्रैक्टर लगे। क्योंकि दोस्तों चलो एक बार फिर इससे कोशिश करते हैं कि ये बैक में तो ट्राली चढ़ा दी लेकिन सामने से नहीं चढ़ाता है, लेकिन एक बार मैं आपके सामने दिखाता हूँ कि सामने से ही चढ़ा पाएगा कि नहीं। और तेरी तो ये इसमें तो यार पावर कहाँ से बढ़ रही है, टोचन मोड के नाम क्या पावर बढ़ रही भाई साहब, यहाँ से चढ़ता नहीं। मैंने 10 बार कोशिश करी है और आपने वीडियो में भी देखा होगा इतनी खड़ी चढ़ाई पर कहाँ चढ़ता है ये। और दोस्तों ये देखो भाई साहब, और ये धुआं टूट रहा है, एक बार रुक गया, फिर दोबारा से ट्राई करते हैं, देखते हैं इसको टोचन मोड की रियल में ज़रूरत है कि नहीं। तो दोस्तों आप बताओ, आपके हिसाब से टोचन मोड देना चाहिए कि नहीं। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है टोचन मोड, लेकिन दोस्तों उसको बनाने में उतना ही ज़्यादा मेहनत लगेगी जितना वो पसंद है। लेकिन दोस्तों ये अपना ट्रैक्टर चाहता नहीं है कि टोचन मोड आए, क्योंकि आप देख रहे होंगे खड़ा भी बिल्कुल ऐसे ही चढ़ रहा है बिना किसी उसके। इतना पावर इसमें सेम ही है, वही जो मैप भाई जो पुराना वाला मैप खेल रहे हैं उसमें जितनी पावर है उसमें इतनी पावर है। लेकिन दोस्तों चेक करो भाई साहब स्टंट, ये देखियो मतलब क्या चीज़ है यार, मतलब टोचन मोड का नाम लेते ही भाई साहब को बर्दाश्त नहीं हो और बेइज्जती इतनी लगी कि भाई साहब खुद ही इतनी चट्टान पर वो ऐसी चढ़े आए और भी खड़े खड़े, क्या लगता है भाई साहब। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही था, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और यदि अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो भाई लोग दिल से धन्यवाद आपका बहुत बहुत।